वैश्विक महामारी कोविड 19 के दौरान पूरा विश्व संकट में रहा। लोग जहां थे वहीं कैद हो गए। तमाम पार्क, म्यूजियम, चिड़ियाघर समेत पर्यटक स्थलों पर सन्नाटा पसर गया। लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई और एक बार फिर लोग अपनी जिंदगी में रौनक लेकर के वापस लौटे हैं। इस वक्त हम भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में हैं और आज आपको सैर कराएंगे और इस भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान को नए अंदाज में दिखाने की कोशिश करेंगे। कहीं शेर की दहाड़ तो कहीं सांप का डर, कहीं गजराज का आकर्षण तो कहीं चीते की ललकार। डरिए मत, हम आपको किसी जंगल में नहीं लेकर जा रहे हैं, बल्कि यूं कहिए कि जंगल में मंगल तो अब दिखने लगा है। कोविड के दौर से अब जनता निकलने लगी है, ऐसे में घर बैठे हमारे साथ इस सैर सपाटा में चलिए। प्रकृति के इस नजारे का इंतजार मानो महीनों से था, अब जब ये इंतजार खत्म हुआ तो बच्चों के सबसे प्रिय जंगल का राजा शेर भी सामने आ गया और इस भालू को तो मानो बच्चों का इंतजार कई दिनों से था। मेरे पीछे हिमालयन भालू का केव है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल 8 हिमालयन भालू हैं और अभी खाने का वक्त चुकी हो चुका है और ऐसे में यहाँ पर सभी भालू जो है यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो देख रेख करते हैं शंकर जी यहाँ पर मौजूद हैं और यही जो हैं सभी भालुओं का देख रेख करते हैं, उनको समय से खाना देते हैं। शंकर जी, कुल कितने भालू हैं, क्या कुछ इनका रहन सहन रहता है, क्या कुछ खाते पीते हैं? हाँ, ये कुल 9 भालू हैं और फील्ड में तो 8 भालू रखे हैं और एक रूम में रखे हैं और जो उसको थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करता है आपस में, इसलिए उसको अंदर में रखे हैं। शंकर जी, ये बताइए कि जू तो बहुत दिनों से बंद था, अभी कुछ महीनों पहले खुला है, ऐसे में जब पर्यटक यहाँ नहीं पहुँचते थे तो भालू जो है यहाँ पर जो है भीड़ देख करके उत्साहित होते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर सन्नाटा पसरा था तो कैसे रहते थे भालू, क्या रहन सहन रहता था जब ये अकेले रहते? वो तो देखिए कुछ तो ये थोड़ा सा मायूस टाइप का रहता था, आपस में ही खेल खून करता था, पानी में ये जो बनाया गया है नाद उसमें टब में ही नाचता है और ये खेलता उलता था। मैं हम लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए कि काफ़ी महीनों बाद जू जो है गुलजार हुआ है, आप लोग भी काफ़ी दिनों तक अपने घरों में थे, लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है, आज आप लोग जू घूमने आए हैं विद फैमिली, क्या कुछ है, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत दिनों के बाद हम लोग इंतजार करते करते जिसे जू खुला उसे हम लोग आए यहाँ और बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो घूम ही रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जू जो है काफ़ी दिनों बाद खुला है, ऐसे में काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि गाइडलाइंस का भी पालन करना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, गाइडलाइंस का पालन करना तो बहुत ज़रूरी है जी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँच रहे हैं जू में, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसे में हम आगे की भी जो है आगे क्या कुछ है, क्या नज़ारा है आगे भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हम इस वक्त बाघ के केज में हैं और यहाँ पर कुल 7 मादा और 2 नर हैं और ऐसे में बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सरस्वती जो बाघ है वो यहाँ पर जो है अपने पिंजरे में है और वो घूम रही है, और अगर बात करें तो संजय उरांव जी हैं जो यहाँ पर इस केज में रहते हैं, देखभाल करते हैं। कुल कितने यहाँ पर बाघ हैं और सब बाघों का क्या नाम है? कुल 9 बाघ हैं, उसमें 7 मादा है, 2 नर है, और 2 नर है उसमें नरों का नाम है एक मलिक और एक जावा, बाकी बात है अनुष्का, लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती। कैसे ख्याल रखते हैं आप इन बाघों का, क्या कुछ रहता है, कैसे देख रेख करते हैं, क्या कुछ खाने का डोज रहता है इन लोगों का? व्यवस्था तो सारा कुछ रहता है, गर्मी के लिए कूलर है, ठंडा के लिए ब्लोवर है, और खाने के डाइट में चिकन है, सप्ताह में एक बार मटन है और रोज़ का बीफ है। कोरोना काल के दौरान पार्क और जू बंद थे, ऐसे में पर्यटक नहीं पहुंचते थे, तो क्या इन बाघों को भी एहसास होता था कि पूरा ये जो जू है ये सन्नाटा है, कोई लोग नहीं पहुँच रहे हैं, क्या कुछ, चूँकि आप बहुत नज़दीक से
सभी बाघों का देख रेख करते हैं? हाँ, जब अभी तो जैसे भीड़ भाड़ का है, जैसे घूमने के लिए पर्यटक आ रहे हैं, तो अभी ये लोग का माहौल थोड़ा सा खुशनुमा लगता है, जो कि कोई बोलते रहता है तो उनका बात भी सुनता है, इधर उधर मुँह घुमाता है। और जब कोरोना काल में जब लॉकडाउन हो गया, बंदी हो गया था, तो ये लोग शांत बैठे हुए रहते थे। तो संजय राव ने कहा कि जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ और जू खुले, जिसके बाद पर्यटक पहुंचे, तो जानवरों में भी खुशनुमा माहौल था, जानवर भी उत्साहित हो गए। और इसी को लेकर के ये जो बाघ का जो केव है, यहाँ पर भी कई पर्यटक जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे में जो यहाँ पर बाघ का केव है, वहाँ पर भी जो तमाम बाघ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सरस्वती है, मेरे बाएं तरफ जो है वो सरस्वती का केव है। वहीं अगर बात करें दूसरी और दूसरे केव की बात करें, तो दूसरे केव में जो गौरी है उसका केव है। हमारा सफर इन्हीं जंगलों के बीच आगे बढ़ता चला गया, और जब आगे बढ़ने की बात हुई तो हमने सोचा क्यों ना इस बैटरी वाली गाड़ी की सवारी कर ली जाए। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में अगर आप घूमने आए हैं, तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर बैटरी कार भी उपलब्ध है। और हम जानेंगे कि इस बैटरी कार में कितने लोग सवार हो सकते हैं और क्या कुछ यहाँ का इसकी टिकट है। भैया, ये 6 सीटर का गाड़ी है, 6 सीटर में आपका प्रति घंटा गाड़ी रहता है, ये 240 रुपये आपका लगेगा, 1 घंटा में पूरा राउंड करा के घुमा के ले आएगा। इससे बड़ा वाला भी गाड़ी है, वो 13 सीटर का है, 13 सीटर का है 520 रुपये, वो भी वही टाइम में चलेगा 1 ही घंटे के लिए। चलिए, हम भी जो है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में इसी बैटरी कार से सवार होकर के भ्रमण करते हैं, और आपको भी पूरे जू का नज़ारा दिखाते हैं, क्या कुछ है, कितने जानवर हैं, क्या कुछ हो रहा है, पूरा जू का आपको भ्रमण इसी बैटरी कार से हम कराते हैं। तो हम कर रहे हैं जू की सैर, और आप देख सकते हैं कि हम बैटरी कार में बैठे हुए हैं और पूरे जू का जो सैर है वो कर रहे हैं। लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में ये जू आता है, और ऐसे में बैटरी कार में हम बैठ करके घूम रहे हैं। कई पर्यटक पैदल भी लुफ्त उठा रहे हैं, कई जो हैं वो बैटरी कार में भी लुफ्त उठा रहे हैं। ये बताइए परमेश्वर जी की पूरा जू कितने किलोमीटर में के दायरे में आता है? ये 4 किलोमीटर के दर में है, ये 1 घंटा के लिए गाड़ी रहेगा आपके पास, 1 घंटा में आपको घूमना है, और इसका चार्ज है 240 रुपये। हम इस वक्त 6 सीटर वाले बैटरी कार में हैं, और कई पर्यटक यहाँ पहुँचे हैं 13 सीटर, 6 सीटर, 4 सीटर वाले बैटरी कार में घूम रहे हैं। हम आगे चलते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ जू में है, क्या कुछ नए जानवर यहाँ पर इस जू में पहुँचे हैं, आगे हम आपको सैर कराते हैं। ये सवारी हमें कई जानवरों के करीब ले गया, बच्चों का उमंग और उत्साह भी नजर आया, तो माता पिता भी इस खुले माहौल को अपने तरीके से एंजॉय करते दिखे। तो रांची जू का लुफ्त लोग उठा रहे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग डबल पैडल साइकिल जो है वो चला रहे हैं, एक फैमिली है जो डबल पैडल साइकिल चला रही है। ये साइकिल बिल्कुल निःशुल्क है और यहाँ पर लोग इस साइकिल का लुफ्त उठा सकते हैं। ऐसे में पूरे रांची जू की बात करें तो आज काफ़ी भीड़ जो है रांची जू में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं एक फैमिली है जो डबल पैडल साइकिल चला रही है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, काफ़ी दिन वेट करने के बाद ये दोबारा खुला है कोरोना के बाद, तो बच्चे बड़े हो गए हैं और जानवर नहीं देख पाए हैं, तो बच्चा बड़ा होने से पहले यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी को बोलूँगा, अपने दर्शकों को या आपके दर्शकों को, कि बच्चा बड़ा होने से पहले जू घूम लीजिए, क्योंकि अभी 2 साल से बंद होने की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया है, पढ़ाई भी, नेचर से भी बहुत ही चीज़। मैडम, आप भी यहाँ पर आई हैं, जू का लुफ्त उठा रही हैं, आपके बच्चे भी यहाँ पर आए काफ़ी दिनों बाद, चूँकि आप लोग खुद कैद हो गए थे इस लॉकडाउन में, कैसा महसूस हो रहा है और यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ अनुभव रहा? एनवायरनमेंट पे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, और इतने दिन से बच्चे भी बड़े भी सब फेडअप हो गए घर में रह रहे, तो इसलिए ज़रूरी है थोड़ा आप आउटिंग करें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, इसलिए हम लोग भी आए हैं, और नेचर से जुड़े रहना तो बहुत ज़रूरी है। रांची का बिरसा जूलॉजिकल पार्क पर्यटकों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है, लेकिन आज का ये नज़ारा रोमांचित कर देने वाला है। जानवरों के एहसास का तो पता नहीं, लेकिन बच्चे इनके करीब आकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है।
जब घर में रहती थी तो कैसा लगता था? जाने का मन करता था, कहीं घूमने का मन करता था? बहुत बोर होता था। और अब यहाँ घूम रही हो तो बहुत अच्छा लगता है। त्योहारों का मौसम है, छुट्टियों का दौर है, तो इंतजार किस बात का। उठाइए अपनी गाड़ी, बच्चों को पिछली सीट पर बैठाइए और चले आइए एक अलग अंदाज से पिकनिक मनाने। यकीन मानिए, ये बदलाव काफी अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल, हमने आपको दिखाया रांची जू और किस तरीके से यहाँ पर लोग आए हैं और जू का लुफ्त उठाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये रांची जू जो है वो रविवार को भी खुला रहता है। आप भी आए, अपने परिवार के साथ आए, अपने बच्चों को लेकर के आए और रांची जू का लुफ्त उठाए। सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस रांची।